नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और आज दोस्तों हरियाली तीज है। तीज जो सावन के महीने में आती है, और हरियाणा में दोस्तों ये हमारा काफ़ी बड़ा त्यौहार है। और स्टेट्स का मुझे पता नहीं, हरियाणा पंजाब और ये दिल्ली वगैरह की साइड तो, यूपी में, राजस्थान में, है ना, इन साइड तो तीज को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो बिल्कुल भगवान जी के चरणों में ये फूल अर्पित करते हुए उन्होंने ही खिलाए हैं ये, तो बिल्कुल इन हरे भरे पेड़ पौधे और फूलों के साथ हम अपनी हरियाली तीज मनाएंगे। और बिल्कुल दोस्तों, आपका जीवन इसी तरह से फूलों सा महका हुआ भी हो, और दूसरा सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगा के अपने घर के वातावरण को भी हरा भरा और फूलों से भरा बनाए। और आज यकीन मानिए दोस्तों, मेरे खुद के गार्डन में इतने सारे फूल खिले हुए हैं, जैसा कि बरसात के बाद मैं आमतौर पे आपको बताती हूँ, तो बिल्कुल सारी मेरी बहनों ने मेहंदी वगैरह भी लगा रखी होगी, है ना, और अच्छे अच्छे खाने भी बना रही होंगी, और हमारे गार्डन में भी सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। और दोस्तों, जो भी मेरे बहन भाई या छोटे छोटे बच्चे भी जुड़े हुए हैं इस चैनल से, उन सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये फूल आप देख रहे हैं आज अपने गार्डन में, है ना, खूब बाहर आई हुई है आज तो फूलों की। और जैसा कि मैं बताती हूँ, बरसात के बाद ज़्यादा फूल खिलते ही हैं, और हल्की हल्की सी, मतलब धूप तो नहीं निकली, लेकिन जैसे धूप ना भी निकले ना, और एक रोशनी होती है धूप वाली, वो वाली है। तो बरसात का ही मौसम नहीं है, धूप भी नहीं निकली हुई, एक प्लीजेंट सा मौसम है, मतलब ये कह लो। तो ये देखिए, सुंदर सुंदर फूल दिखाते हुए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, मंदिर जो मेरी बहनें जाती हैं वो अच्छा है, लेकिन मैं नहीं जाती, तो मैं आपको लेके चलती हूँ आपके जो मेरे घर के पास गार्डन है, आज आपको वहाँ की सैर कराऊंगी मंदिर के बजाय, ठीक है ना। तो जिसको जिस चीज़ का शौक हो त्यौहार पे अपना, वो पूरा करें। तो मंदिर के बजाय आज हम चलेंगे गार्डन। तो मेरे बहुत बहन भाई कहते हैं कि आपके आसपास जो गार्डन है आप उसको भी दिखाया करो, तो आज मुझे लगा कि अच्छा त्यौहार का दिन है, और मुझे भी दोस्तों कुछ मेरे इंडोर प्लांटर खाली हो गए हैं छोटे छोटे, तो उनके लिए मुझे कटिंग भी लानी थी माली से। तो बस मैं आपको अपने जो मेरे घर के पास गार्डन है उड्डा वालों का, वहाँ पे लेके चलूँगी, मैं अपनी कटिंग भी ले आऊँगी और आपको गार्डन की सैर भी करा दूँगी, दोनों काम हो जाएंगे, है ना, और एक बढ़िया सा वीडियो आप तक पहुँचेगा हरा भरा हरियाली तीज के उपलक्ष्य में। तो ये देखिए दोस्तों, कितने सारे फूल खिले हुए हैं ना। पहले अपने घर के फूलों को एंजॉय करते हुए चलते हैं, पहले अपने घर के फूलों का मजा लेते हैं, फिर आपको गार्डन में लेके चलूंगी। और मुझे नहीं लगता दोस्तों आज कोई भी वैरायटी जो मैंने फूलों की लगा रखी हो वो बची हुई हो, सब में फूल आए हुए हैं ऑलमोस्ट। बोगनविला से लेके अमरूद भी दिखा दिया मैंने आपको, है ना, पर्सलेन, पोर्चुलका, हिबिस्कस, मैक्सिकन पेटूनिया, सारे के सारे फूलों से भरे हुए हैं, लैंटाना, सब पे खूब फूल आए हुए हैं। और ये देखो आप, है ना, कल को इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, आज ही मैं बल्कि देख के बड़ी खुश हुई सुबह सुबह। तो बस अब मैं घर का काम निपटा के, अच्छा अच्छा खाना बना के, नहा धो के, तो बस पहले आपके लिए वीडियो बनाना था, और फिर मुझे लगा अपना जो मेरा पार्क के पास का, वहाँ से कुछ कटिंग ले आती हूँ, फिर अपना ला के अपना अंदर लगाऊंगी। तो नए नए प्लांट लगा के हम तीज का त्यौहार मनाएंगे। और ये सुंदर सुंदर फूलों का तो मजा आप ले ही रहे हो। अच्छे लग रहे हैं सारे, ये देखो, है ना, सॉरी की सॉरी, इतनी प्यारी प्यारी शेड खिली हुई है, बस दिल खुश हो गया भाई, वाकई में आज मेहनत सफल हो गई। लो जी, आगे हैं हम अपने हुड्डा पार्क में जो मेरे घर के पास ही है, और दोस्तों काफी बड़ा पार्क है ये, यहाँ का जिसने एक राउंड भी लगा लिया ना, ये समझ लो सैर होगी पूरी, इतना बड़ा पार्क है ये। तो मैं खैर रोज तो नहीं आती, मेरा रास्ता दूसरा है सैर करने का, मेरा रोड वाला रास्ता है, ये थोड़ा साइड में पड़ता है दोस्तों, और इस तरफ ये अंदर की साइड से आता है मेरी, तो कई बार सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं, तो मैं जा नहीं पाती, कई बार सुबह कोई होता भी नहीं है रोड पे, और सुबह पूरी मस्ती में होते हैं बंदर, तो इस वजह से, डर की वजह से भी
मैं रोड वाला रास्ता ही लेती हूँ, वहां इतने बंदर नहीं होते। वैसे पार्क बहुत सुंदर है, मैंने आपको कभी दिखाया भी नहीं है, और घर से कोई ज्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है। और सुबह सुबह का टाइम है जैसा कि मैं बता ही रही हूँ आपको, और मौसम बढ़िया हो रहा है ना, तो बारिश वाला मौसम हो रहा है और ना ही धूप निकल रही है, ऐसा मौसम हो रहा है, मतलब बीच से वाला, जैसा कि एक बहुत बढ़िया मौसम होता है त्योहार के दिन, ना तो गिल्ला गिल्ला सा लग रहा है और ना ही तेज धूप है। तो ये देखिए, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा गार्डन, लेकिन ये वाकई में बहुत सुंदर गार्डन है दोस्तों। और ये इनकी नर्सरी है हुड्डा वालों की, तो कई बार मैं माली से ना यहीं से ये कटिंग ले जाती हूँ आमतौर पे, तो दे देती हूँ, भैया कोई मना नहीं करते। तो चलिए मैं ले लेती हूँ अपनी कुछ कटिंग्स, और आप सुंदर सुंदर गार्डन एंजॉय करो। बस अंदर में ये इसलिए आई हूँ इसकी शेड के, कि यहाँ से माली कटिंग दे देता है मुझे, गार्डन में आपको भी दिखाती हूँ, मैं यहाँ से कटिंग ले लेती हूँ। अंदर प्लांट दोस्तों, एक तो सिंगोनियम की लूंगी, मनी प्लांट्स की लूंगी, कुछ रोयो की ले लूंगी, एस्पेरेगस की ले लूंगी, और जी मैक्सिकन पेटूनिया भी लगे हुए हैं उनकी भी ले लूंगी, और कौन सी लूंगी, कैक्टस देख लूंगी। ये देखो रोयो कितने सारे लगे हुए हैं, दे देंगे भैया, ऐसे मना नहीं करते, ये वैसे भी सरकारी पार्क है ये, पर ये कुछ लोग ज्यादा अवेयर होते हैं, देते नहीं है वैसे लेकिन चलो रिक्वेस्ट करने पे दे ही देते हैं। चलो जी मैं कटिंग ले लेती हूँ, इतने आप पार्क एंजॉय करो। ये देखो बहुत सुंदर पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, इसका एक चक्कर भी नहीं लगता, पूरा बीच में से ही कट मारना पड़ता है, काफी बड़ा सा पार्क है ये। और बिल्कुल दोस्तों जैसा हमारे यहाँ का गर्म मौसम है ना, बहुत गर्म मौसम है हमारे हरियाणा का, तो उस हिसाब से पार्क बिल्कुल नहीं लग रहा होगा आपको कि हरियाणा में है ये, है ना, हिल स्टेशन के जैसा पार्क लगता है बिल्कुल ये, और बहुत सुंदर तैयार किया हुआ है इन्होंने। तो बहुत पुराने से पुराने पेड़ भी हैं यहाँ पे, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, पुराने पुराने वृक्ष वृक्ष हैं, फूलों वाले भी हैं, पुराने पुराने भी हैं। एक दिन आपको ना अपने शहर वाला रास्ता भी दिखाऊंगी, वो बहुत सुंदर रास्ता है मेरा, जहां सैर करती हूं ना मैं। और ये देखो बंदर कैसे खेल रहे हैं, इतने मैंने कैमरा ऑन किया ना, इतने झूले पे से उतर गए, झूले पे झूल रहा था ये, जैसे छोटे बच्चे नहीं झूलते सीढ़ियों पे से चढ़ के आते, यूं गिरते हैं, यूं झूल रहा था अभी ये बंदर भी बंदर ही है सच्ची, कोई ऐसा काम नहीं है जो इनको ना पता हो। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये पार्क, है ना, अच्छा पार्क है वैसे ये, बहुत हरा भरा एकदम, बहुत सुंदर सा। बताना फिर कमेंट करके कैसा लगा। तो दोस्तों मंदिर मंदिर तो खैर मैं इतनी धर्म वर्म में नहीं करती विश्वास, मुझे ये भगवान की बनाई हुई चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं खुद की बनाई हुई चीजों से, है ना, ये तो प्रकृति है, भगवान ने बना रखी है, कितने सुंदर सुंदर फूल है ये। अच्छा इसका ना मैं नाम भूल जाती हूँ हर बार, जिस मेरे बहन भाई को इसका नाम पता हो ना, और मुझे माली ने भी एक दो बार बता दिया लेकिन मैं भूल जाती हूँ, दिमाग से बस उतर ही जाता है इसका नाम, इसका मुझे नाम बताना, इसकी भी कटिंग लूंगी मैं, और ये बहुत आराम से कटिंग से उग जाता है। तो इसकी दो शेड है ये, है ना, दोनों की कटिंग ले लूंगी मैं, पेंसिल जितनी मोटी कटिंग लेनी है आपने, है ना, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव भी हो गया वीडियो, नाम मुझे इसका आप बता देना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा और घूम रहा है दिमाग में लेकिन जबान पे नहीं आ रहा, कई बार ऐसा होता है ना दिमाग में घूमता रहता है लेकिन हम बोल नहीं पाते, वो वाला काम हो रहा है। और बिल्कुल मैं ध्यान करने की कोशिश भी कर रही हूँ कि उस दिन माली ने बताया क्या था इसका नाम, और बस चलो मुझे आप ही बताना जिस मेरे बहन भाई को पता हो। और ये कटिंग से बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं, वैसे इस पे सीड पॉड भी बनते हैं, और ये देखो बोगनविला को कितनी अच्छी शेप दे रखी है इन्होंने, है ना, गोल गोल सी।
ये भी बढ़िया आइडिया है ना। और ये बरगद का देखो कितना पुराना पेड़ है, ये नीम का। अच्छे पुराने पुराने वृक्ष भी हैं यहाँ, काफी पुरानी जगह है ये, बहुत एरिया में फैला हुआ है पार्क, पूरा तो घूम भी नहीं सकते। तो दोस्तों हम प्रकृति के शौकीन आदमी है ना, पेड़ पौधों से प्यार करने वाले, इससे बढ़िया और हमारी हरियाली तीज क्या होगी है ना। एक तरह से हमारे लिए मंदिर ही है ये, और ये लो जी मंदिर के पुजारी ये भी अपना भक्ति में लीन हो रहे हैं बिल्कुल ही है ना। ये देखो कैसे उछल कूद मचा रहे हैं, बस वो वाला वीडियो जो आप देख लेते ना जब ये झूले झूल रहा था, वाकई मजा आ जाता। अब बस ये पीछे हट गए मेरे को देख के ना, भाई इसने हाथ में क्या ले रखा है बंदूक सी इस वजह से, वैसे तो कहीं नहीं डरते हुए डरते ये। देखो कैसे काट काट के गिर रही है। लो जी मैंने अपनी कटिंग ले ली है, जो जो मैं आपको बता रही थी सारी की सारी सिंगोनियम वगैरह की है ना, ये रोयो वगैरह की सबकी मैंने कटिंग ले ली है। अब चलते हैं घर अपने मंदिर में पूजा करने के बाद। ये आ गया अपना गार्डन, और दोस्तों बरसात के बाद अपना गार्डन बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, बस फूलों से भर रहा है आज तो गार्डन, मन खुश हो गया देख के। तो बस दोस्तों आप भी अच्छे अच्छे से आज सारा दिन हरियाली तीज मनाना, अपनी अच्छे अच्छे खाने बनाओ, मजे करो, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।